उत्तर प्रदेश की सबसे वीआईपी सीटों में से एक मानी जाने वाली वाराणसी की सीट, जहां से खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी अपनी दावेदारी दी थी और इस बार फिर से वो इसी सीट पर खड़े नजर आ रहे हैं। वहां से प्रियंका गांधी के चुनाव नहीं लड़ने को लेकर एक बड़ी बात सामने आ रही है। जी हां, नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में न उतरने को लेकर खुद प्रियंका गांधी ने अब एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मेरे कंधे पर यूपी में प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है और मुझे एक नहीं बल्कि 41 सीटों पर पार्टी को जिताने का जिम्मा है। एक स्थान पर रहकर ऐसा संभव नहीं था और इसीलिए मैंने वाराणसी से अपनी उम्मीदवारी नहीं दी। आपको बता दें कि प्रियंका ने खुद एक रैली में वाराणसी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी और कहा था कि मुझे बस पार्टी की हाँ का इंतजार है, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा हो रही थी कि प्रियंका वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इन सभी अटकलों पर विराम तब लग गया जब 25 अप्रैल को कांग्रेस ने अजय राय को वाराणसी से टिकट दिया और कांग्रेस ने इससे पहले भी 2014 में अजय राय को ही प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो अपनी जमानत भी नहीं बचा सके थे। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाने वाला पूर्वांचल इस बार प्रियंका गांधी के हाथों में है इसकी जिम्मेदारी, जहां प्रियंका 41 सीटों की जिनकी बात करी उनमें से 26 सीटें पूर्वांचल की और पार्टी को उनसे काफी उम्मीदें हैं। तो पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए प्रियंका यूपी में यूं तो जमकर प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन उनकी मेहनत आखिर कितना रंग लगाती है ये तो 23 मई को ही मालूम पड़ेगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वेब 23 न्यूज पर। वेब 23 न्यूज से रक्षा की रिपोर्ट। We'll be right back.